वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज दुनिया का सबसे ख़राब दिन है मेरा, और मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन है। अभी रात के चार, लाइक सुबह के 4 बज रहे हैं और आज है 17 जून। ये दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा याद रहने वाला है, बिकॉज समथिंग हैपेंड टू मी, इट्स जस्ट सो बैड। अभी 3 बजे मैं सो, लाइक मैं तो काम से ही आई रात को 12 बजे तक आई थी, बट अभी मुझे जाना था घूमने के लिए। यहाँ से फ्लाइट से 2 घंटे दूर चेंग माई बोल के एक जगह पे, बट मेरे को 4 बजे यहाँ से निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो मैं सो नहीं पाई। 2:30 बजे मैंने देखा फ्लाइट का टिकट का चेक इन करने के लिए, तो क्या हुआ, चेक इन करने में जब गई तो फ्लाइट का जो नंबर है वो रॉन्ग बता रहा था। तो मैंने सोचा क्या हुआ, फिर मैंने देखा मैं महारानी बुक किया है टिकट नेक्स्ट मंथ का। कैन यू बिलीव दैट, लाइक जून एंड जुलाई इज आई मिक्स बोथ अप, एंड देन मैंने 17 जून की जगह पे नेक्स्ट मंथ 17 जुलाई का बुक किया है। एंड मेरा सब कुछ भी पैक है, मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को, सब कुछ पैक है। मैंने एक नया ईयरपॉड, लाइक द माइक भी ख़रीदा है कि मैं थोड़ा वीडियो वगैरह बनाऊंगी, एंड मैंने एक ट्राईपॉड भी ख़रीदा है। एंड देन आई थॉट दैट मैं माउंटेन में जाने वाली थी, पहाड़ों में घूमने वाली थी, बट मैंने, यू डोंट नो हाउ मच आई एक्सपेंड मनी ऑन इट। लाइक मैंने फ्लाइट बुक किया यहाँ से, लाइक 5,000 थाई बाट, एंड आने का भी बुक किया। अच्छा, आने का इस महीने में आ रही हूँ, बट जाऊँगी मैं नेक्स्ट महीने। कैन यू बिलीव दैट, मैं हंसू या रो, मैं तो 3 बजे से 4 बजे तक अभी मैं रोई, मेरा अभी भी आँख फुला फुला हुआ है। अभी रो के फिर से मेरे को लगा नहीं क्या करूँ, अब मैं ये नया एक पैंट मैं नया खरीदी हूँ पहन के जाने के लिए, तो ये मैंने सोचा नया पैंट खरीदा है तो पहन के मैं थोड़ा 7 जाऊँ, आई मीन 7-11, क्योंकि मेरे पास और कार कम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी 4 बजे मुझे भूख लगा है, मुझे लगा था कि मैं जब गाड़ी पे चढ़ूँगी तो मुझे भूख लगेगा, नहीं तो मैं कुछ खाऊँगी नहीं तो मुझे वॉमिट हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि तभी खा लूँगी, बट हम लोग अभी जा ही नहीं रहे हैं। और जो मैंने फ़्लाइट बुक किया है वो फ़्लाइट का जो एयरलाइंस है वो बंद है, 8 से 10 बजे तक खुला रहता है। एंड देन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है करने का, भूख भी लगा है, तो चेंग माई नहीं, चलो तुम्हें मैं 7 लेके चलती हूँ। इधर देखो मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, बट अभी कोई जाएगा नहीं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा 7-11 की तरफ, अगर कुछ और दुकान भी मिल जाए तो देख लूँगी एक बार, नहीं तो 7-11 में खाना खा लूँगी। एंड हम लोग थोड़ा म्यूज़िक भी सुन रहे हैं। तुम लोगों को पता है ये कौन सा गाना है? ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है, अगर पता है तो बताना ज़रूर। एंड देन नेक्स्ट और एक ये वाला सॉन्ग है नया, बहुत ही नया, अगर पता है तो ज़रूर बताना। ये सड़ा हुआ भी खाना पड़ेगा, वैसे सड़ा हुआ नहीं है, एट लीस्ट बेटर देन एनी अदर प्लेस। ये आंटी भी बहुत ज़्यादा, आंटी नहीं दीदी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है, तोड़ फोड़ देगी अभी। रात के अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग वहाँ के खाना खा रहे हैं। ये है हमारा एयरपोर्ट का ब्रेकफास्ट। कल रात से मैं 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाई, 1 मिनट के लिए भी नहीं, इधर बैठ के मैं रो रही थी। इतना मुझे बुरा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे होते आज, कल वहाँ पे होते, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ, इतना दुख हो रहा था, लग रहा था कि एक, मतलब एक दौड़े बड़ी चली जाए। बट आई डोंट नो, लाइक यहाँ पे बैठ के अच्छा लगता है क्योंकि मुझे खिड़की से थोड़ा सा पेड़ वगैरह दिखता है, मेरे
लाइक खिड़की पे ही फ्लावर्स वगैरह होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सुकून मिलता है। फिर मैंने मम्मी से भी बात किया, मम्मी से भी डांट पड़ी बिकॉज मैंने ध्यान नहीं दिया और गलत टिकट मैंने काट लिया एंड वो लोग अभी रिफंड भी नहीं करने वाले हैं। एंड जो चेंज डेट है उसमें भी एक्स्ट्रा और 7,000 थाई बाट मतलब 14,000 इंडियन करेंसी अभी लगने वाला है। सो मैंने तो सोचा छोड़ दो यार, जाने दो, बट आई एम नॉट श्योर, मे बी नेक्स्ट मंथ हम लोग देख सकते हैं एक बार और, नहीं तो मैं छोड़ ही दूंगी। और कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं है डेट चेंज करने के लिए, बोल रही हूँ लाइक नेक्स्ट मंथ अगर होता है जो आने का टिकट है, बट वो भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो आई एम नॉट श्योर। ये देखो मेरे खिड़की से ऐसा फ्लावर है, ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। सो हम लोग दुख दर्द भुला के फिर खाना खाने के लिए आए क्योंकि इतना मुझे भूख लगा है, इतना ज़्यादा, अभी 5 बज गया शाम को। एंड देन देखो यहाँ पे बारिश आ गया, इसके बाद इतना ज़ोर से बारिश आ गया था कि मुझे लग रहा है कि मुझे आज यहीं पे ही रहना पड़ेगा। मेरा दिन ही ख़राब है, लाइक इतना बुरा दिन मैंने शायद ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। खैर जो भी हो अच्छा ही हुआ, मैंने मम्मी को कॉल किया था तो मम्मी ने बोला जो हुआ अच्छा ही हुआ, लाइक गॉड जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। सो यार मुझे यहाँ पे एक कैट मिल गया, इतना प्यारा है, तो वो मुझे आके बोल रहा था कि मैं थोड़ा ले लूँ क्या। मुझे कैट्स बहुत पसंद है और एक कैट को मैंने ऐसे प्यार किया तो दूसरा भी आ गया यहाँ पे। सो यार ऐसे ही मेरा दिन गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।